मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का अध्ययन कर लिया था, और हम लोग का जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, जो कि हम लोग का पहला समकालीन चिंतन फलक या कंटेम्पोरेरी पैराडाइम है। इसके पश्चात एक और हम लोगों ने अध्ययन किया था, जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस जिनका कि आप यूज करेंगे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का जब आप क्रिटिसिज्म लिखेंगे उस समय। तो इन दोनों चैप्टर्स को आप अच्छे से देख लें, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके नोट्स आप बना लें तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं। उसके पश्चात आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा अगला कंटेम्पोरेरी पैराडाइम है, समकालीन चिंतन फलक, और ये है बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोग अध्ययन किस क्रम में करेंगे। पहले हम लोग मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे, और मैंने कोष्टक में लिखा है रीजन फॉर डेवलपमेंट, मतलब टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब बिहेवियरिज्म बेसिकली है क्या और क्यों इसका विकास हुआ, ये चीज़ हम पहले देखेंगे। फिर मेन जियोग्राफर्स एंड थिंकर्स, जो इसमें इम्पॉर्टेंट लोग हुए, जो इम्पॉर्टेंट विद्वान हुए, भूगोलवेत्ता हुए, उन लोगों के मतलब नाम देखेंगे कौन कौन हैं, उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स भी इसमें आ जाएंगी। अगर उन्होंने किसी इम्पॉर्टेंट लेख को लिखा है तो वो लेख, बुक, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तीसरा मैंने लिखा है एलिमेंट्स, कुछ इसमें एलिमेंट्स भी हैं व्यवहारवाद में, जिसे हम जानते हैं कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप्स, डिसीजन मेकिंग, तो ये कुछ चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। और चौथा मैंने आखिरी लिखा है क्रिटिसिज्म अर्थात आलोचना। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, और वास्तव में सबसे सही तरीका यही होता है। वैसे तो आपको थॉट में अगर आप व्यवहारवाद पे रिसर्च करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा मैटर आपको मिलेगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आप सबसे पहला काम करिए, उसको हेडिंग्स में डिवाइड कर लीजिए। जल्दी ही मैं एक और इस पर एक अध्याय बनाऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट को हमको किस क्रम में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, चूँकि मैटर इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इस चीज़ को बता दे रहा हूँ कि पहले मेन कॉन्सेप्ट पे बात होगी, फिर किसी भी टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट भूगोलवेत्ता होते हैं, थिंकर होते हैं, उन पे बात होगी। फिर उससे संबंधित अगर कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसमें एलिमेंट्स हैं, सब में एलिमेंट्स नहीं होते, बट इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग उन एलिमेंट्स को देखेंगे। और सबसे लास्ट में उस जो टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक की हम लोग क्रिटिसिज्म करेंगे, आलोचना करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने इस पहले वाले पॉइंट से शुरू करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और रीजन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि इसकी मूल विचारधारा व्यवहारवाद की, और इसका विकास किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहे इसके विकास के पीछे। तो हम लोग सबसे पहले इस वाली हेडिंग से शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने बहुत जगह से स्टडी करके इसकी नोट्स को प्रिपेयर किया है, तो ये आपके लिए काफी लाभदायक होगा। व्यवहारवाद, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग इसका देखेंगे पहली हेडिंग में डेवलपमेंट क्यों हुआ। तो मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। व्यवहारवाद भूगोल विषय का 1950 के बाद के समय का एक महत्वपूर्ण चिंतन फलक है, और हम लोग जानते हैं कि 1950 के बाद से अब तक जो भी चिंतन फलक है सब हम कहाँ रखते हैं, कंटेम्पोरेरी में, और स्टार्टिंग से लेकर 1950 तक का कहाँ रखते हैं, ट्रेडिशनल में। तो ये हो गया। चूंकि कोई भी चिंतन फलक पूर्णतया स्थायी नहीं होता, तथा चिंतन फलक स्थानांतरण की प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले पार्ट में, पैराडाइम में। और इसी क्रम में भूगोल में 1960 के दशक के अंत में प्रत्यक्षवाद की प्रतिक्रिया के रूप में व्यवहारवाद का उदय हुआ। जब हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का, तो वहां मैंने आपको बताया था कि विद्वानों को यह लगने लगा कि हम हर चीज़ की स्टडी मैथ, जियोमेट्री और स्टैटिक्स से नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं मनुष्य का व्यवहार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हमको उस चीज़ को भी ऐड करना पड़ेगा। और वही 1960 के दशक के अंत में धीरे धीरे अब बात आने लगी कि विकास होना चाहिए बिहेवियरलिज्म का, व्यवहारवाद का। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि भूगोल में 1960 के दशक के अंत में प्रत्यक्षवाद की प्रतिक्रिया के रूप में ये जो हमारा चिंतन फलक है, पैराडाइम है, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, इसका उदय होता है।
और व्यवहारवाद वस्तुनिष्ठ व मात्रात्मक अध्ययन को अपूर्ण मानता है, और इसमें मनुष्य के अनुभव, व्यवहार, मूल्य इत्यादि चीजों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार सरल शब्दों में कह सकते हैं कि व्यवहारवाद का तात्पर्य भूगोल के उस चिंतन फलक या अध्ययन की विधि से है जिसमें मनुष्य के व्यवहार को महत्व दिया जाता है, ना कि मात्रात्मकता को। बिल्कुल सरल से सरल लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है। व्यवहारवाद के नाम से ही आपको लग रहा है कि व्यवहारवाद का मतलब वह चिंतन फलक जिसमें मनुष्य के व्यवहार को इम्पोर्टेंस दी जाए। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म का, तो वहां आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि उसमें स्टैटिक्स, जियोमेट्री और मैथमेटिक्स को इम्पोर्टेंस दी गई थी, लेकिन यहाँ मनुष्य के बिहेवियर, व्यवहार को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, और मैंने कंटेम्पोरेरी पैराडाइम वाले चैप्टर में भी बताया है। बहुत अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है कि मनुष्य का व्यवहार बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। अब प्रवास की बात है, मान लीजिए माइग्रेशन, दो लोग हैं, दो फैमिली है। अब एक फैमिली, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी जो अपनी मातृभूमि से काफ़ी लगाव होता है और वो प्रवास के लिए तैयार ही नहीं होते। उनको लगता है कि हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है, तो ये इसके पीछे उनका व्यवहार प्रभावित कर रहा है इस चीज़ को। और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरी सोच के होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं, हम बाहर जाएंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, हम अच्छी तरीके से अपनी कह सकते हैं कि अपना पालन पोषण अपने परिवार का कर सकेंगे। तो इस कारण से जो जैसे माइग्रेशन जैसी चीज़ें होती हैं, इसमें जो बिहेवियर है ये काफ़ी ज़्यादा अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। और मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड की शॉप है और उसी के पास में, आपके घर से पास में एक और शॉप है और आपके फ्रेंड की शॉप थोड़ी दूर है, वही चीज़ वहाँ पे मिल रही है, वही चीज़ यहाँ भी मिल रही है, तो यह संभव है कि आप अपनी जो फ्रेंड की शॉप है उस पर जाना पसंद करेंगे। तो इस स्थितियों में क्या होता है कि ये पता चलता है कि मनुष्य हमेशा एक आर्थिक प्राणी के रूप में नहीं होता, जो कि साइमन ने कहा था। तो यहाँ पर आपका व्यवहार आपको प्रभावित कर रहा है। अगर आप एक आर्थिक प्राणी, आर्थिक मनुष्य की भांति व्यवहार करते, तो आप जो आपके बगल वाली शॉप है आप वहाँ चले जाते, जो आपके फ्रेंड की शॉप थी थोड़ी दूर थी वहाँ आप न जाते। लेकिन चूंकि यहाँ आपका व्यवहार प्रभावित कर रहा है आपको, तो आप दूर होने के बावजूद अपने फ्रेंड की शॉप पर ही जा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती हैं, इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो उसको प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने आपको माइग्रेशन का एक बहुत ही सही एग्जाम्पल बताया। और ऐसी स्थिति आने पर जब लोगों को लगा, स्पेशली थिंकर्स को, जियोग्राफर्स को, कि अब हमें ज़रूरत है एक नए प्रकार के चिंतन फलक की जिसमें हम बिहेवियर की स्टडी करें, व्यवहार का अध्ययन करें, तो फिर उदय हुआ व्यवहारवाद का, जो कि एक हमारा समकालीन चिंतन फलक है। और ये किसकी आलोचना के फलस्वरूप आया था या किसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आया था, ये जो हम लोगों का चिंतन फलक है ये आया था प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, या कह सकते हैं कि उसकी आलोचना के फलस्वरूप इस चिंतन फलक का उदय हुआ था। इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ, विकास के इसके क्या रीजंस रहे, तो वही चीज हम लोग ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। 1960 के दशक तक आते आते भूगोल में मात्रात्मकता अपने बिल्कुल पीक पे पहुंच चुकी थी, एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे जो जियोग्राफर्स थे वो ये एक्सपीरियंस करने लगे कि ये जो स्टैटिक्स और मैथ पे बेस्ड स्टडी है ये उचित नहीं है इसमें, क्योंकि हम भावनाओं से पूर्ण मानव का कोई तालमेल ही नहीं है, भावनाओं से पूर्ण मानव का इन सांख्यिकी गणितीय विधियों से कोई तालमेल नहीं है। और इस विषय में साइमन का कथन इम्पोर्टेंट है, मनुष्य सदैव आर्थिक प्राणी नहीं रह सकता, वह अपनी भावनाओं व इच्छाओं की संतुष्टि भी चाहता है। साइमन कौन है, हर्बर्ट एलेक्जेंडर साइमन, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। एच ए साइमन का बहुत बड़ा योगदान है, यद्यपि एक इकोनॉमिस्ट है, जियोग्राफर नहीं थे, लेकिन जब भी हम व्यवहारवाद पढ़ते हैं तो साइमन का नाम जरूर आता है, तो इनका नाम आप याद रख लीजिए। अब चलिए, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं
क्यों इसका डेवलपमेंट हुआ इसको समझ चुके हैं। अगर मैं फिर से बताऊं सिर्फ दो लाइन में, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यह है कि इसमें मनुष्य के व्यवहार को प्राथमिकता दी गई है और डेवलपमेंट क्यों हुआ। अगर आप इसको एक लाइन में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि जो हम लोगों का ये व्यवहारवाद है इसका विकास मात्रात्मक क्रांति, जिसमें कि गणित, मैथ, गणित और सांख्यिकी और ज्यामिति का यूज खूब ज्यादा होता था, उसकी आलोचना के फलस्वरूप इसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये बिल्कुल मैंने आपको इतना समझाने के बाद उसको समराइज कर दिया सिर्फ दो लाइनों में। तो मुझे उम्मीद है कि व्यवहारवाद का या बिहेवियरिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसका क्यों डेवलपमेंट हुआ ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि जो इसमें हमारी दूसरी हेडलाइन थी, दूसरी हेडलाइन क्या थी आपको याद होगा, दूसरी हेडलाइन थी इम्पोर्टेंट जो इसमें विचारक हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट जियोग्राफर्स हुए हैं उन पे हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स जो भी इसमें इम्पोर्टेंट विचारक हैं सबको मैंने एक जगह लिख लिया है, तो मैं आइए आपको इसके बारे में बताता हूँ। जो इसमें इम्पोर्टेंट नाम है, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मेन मेन कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है, हम लोग पहले देख चुके हैं साइमन का, ठीक है, तो साइमन को याद रखिए। जूलियन वोल्पर्ट, जब भी व्यवहारवाद की बात आएगी तो जूलियन वोल्पर्ट का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जूलियन वोल्पर्ट के 1964 में प्रकाशित लेख द डिसीजन प्रोसेस इन स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट, इसमें इन्होंने अपनी इन बातों को रखा है। और इसके पश्चात 1965 में, एक साल बाद 64 में ये वाला लेख आया द डिसीजन प्रोसेस, ये बुक नहीं है ये लेख है, ये इस चीज को याद रखिएगा। प्रवास के लिए निर्णय के व्यवहारवादी पक्ष, जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि प्रवास एक ऐसी चीज होती है जिसमें मनुष्य का व्यवहार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हो सकता है कि आप काफी भावुक विचार के हों, आप काफी इमोशनल हों, आपका बहुत ज्यादा जुड़ाव हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, अगर हम शहर की बात ना करें, अपने शहर से जुड़ाव उतना ना भी हो बट अपने देश से इतना जुड़ाव हो कि वो अपने देश को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको, जो इस तरीके की इमोशनल नहीं होते, उनको अपना ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं धन की उनको प्राप्ति करनी है या जो भी बात हो, वो बाहर जाना पसंद करते हैं, अब देश के बाहर, प्रदेश के बाहर। लेकिन जो काफी इमोशनल होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। तो व्यवहार की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है, स्पेशली माइग्रेशन जैसी चीजों में। तो वही बात ये भी बता रहे हैं, इनका एक लेख था प्रवास के लिए निर्णय के व्यवहारवादी पक्ष और ऊपर एक और लेख था द डिसीजन प्रोसेस इन स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो दो लेख थे इनके, वोल्पर्ट महोदय के, इन लेखों ने बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई व्यवहारवाद के पीछे। व्यवहारवाद का जो डेवलपमेंट हुआ, जो उदय हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई। और सिर्फ ये दो लेख नहीं, इसके पश्चात इनके और भी लेख आए, लेकिन ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्टिंग जो कि इस टॉपिक की, व्यवहारवाद की, वो की साइमन ने। साइमन ने, कि इकोनॉमिस्ट थे, और 1956 में उनका एक लेख आया जहां पर उन्होंने संतोषप्रद निर्णय की संकल्पना दी थी, संतोषी कृषि। और इनका पूरा नाम हम लोग जानते ही हैं, हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन। ये पूछा जा सकता है आपसे कि संतोषी कृषि या संतोषप्रद निर्णय की विचारधारा किसकी थी। संतोषप्रद निर्णय का मतलब ये है कि जैसा कि इनका कथन भी है कि मनुष्य सदैव आर्थिक प्राणी नहीं होता है। हो सकता है कि उसने जितनी चीजें प्राप्त कर ली हैं उसमें उसे संतोष हो और फिर वो आगे की इच्छा उसकी कुछ हो ही ना, ये भी हो सकता है। और जनरली हम लोग को तो सिखाया ही जाता है कि हम बिल्कुल कह सकते हैं कि संतोष करें अपने जीवन में, ये सारी चीजें हमको बताई जाती हैं जनरली घरों में। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं साइमन महोदय यहाँ पर, और संतोषप्रद निर्णय और संतोषी कृषि ये वाली जो विचारधारा है ये साइमन की है। और इसके पश्चात विलियम किर्क का भी बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे 1951 से 63 के बीच में। तो
तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों को देखा, जैसे कि विलियम किर्क का नाम अभी यहाँ पे आता है, जूलियन वोल्पर्ट और एच ए साइमन, साइमन वोल्पर्ट और आपके ये विलियम किर्क महोदय, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जबकि जब भी बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद की बात आती है, तो इनका नाम ज़रूर हम देखते हैं। इसके पश्चात और भी कुछ हमारे विद्वान हैं। एक चीज़ और यहाँ इम्पोर्टेंट है कि 1968 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स AAG, यहाँ पर बिहेवियरल जियोग्राफी पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। मतलब कि इसको पढ़ने से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 1950 के दशक के बाद से जो डोमिनेंस था क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का, मात्रात्मक क्रांति और जो प्रत्यक्षवाद था, ये सब धीरे धीरे कम होने लगा था। और 1968 में जब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स की जो मीटिंग होती है, उनका एक स्पेशल एक सत्र का आयोजन होता है, तो वहाँ पर जो है ये बात रखी जाती है व्यवहारवाद के संबंध में। तो मतलब इससे एक चीज़ ये क्लियरली पता चल रही है कि 1960 के दशक के अंत में जो हमारा व्यवहारवाद है वो अपनी एक जगह बनाने लगा था। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो बहुत सारे हमारे जर्नल्स होते हैं, जो लेख थे, उनको एक पुस्तक के रूप में संपादित किया गया, और इसके संपादक थे कॉक्स और गोलिच, और ये बुक थी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन जियोग्राफी 1969। और ये कुछ और इम्पोर्टेंट विचारक हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है, ये जो हमारा पूरा टॉपिक है। विलियम गिर को तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वोलपर्ट को भी देख चुके हैं, प्रेड एक हैं, इसके पश्चात कॉक्स हैं, कॉलिज हैं, गोल्ड और इकोनॉमिस्ट एच ए साइमन। तो ये सात नाम इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अभी कुछ और भी मिलेंगे, लेकिन स्पेशली जब भी हम लोग व्यवहारवाद को पढ़ते हैं तो ये सात नाम हमको याद होना ज़रूरी है, और इन सातों में से भी कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि विलियम किर्क हो गए, और इसके पश्चात वोल्पर्ट हो गए, और ये एच ए साइमन, ये तीन नाम तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और उसके पश्चात जो भी मैंने बताया कि ये जो बुक संपादित हुई कॉक्स और कोलिज के माध्यम से, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन जियोग्राफी, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेख है। और इसके पहले हम लोगों ने कुछ और चीज़ें भी देखी थी इनकी, विलियम किर्क के पहले हम लोगों ने जब जूलियन वोल्पार्ट को पढ़ा था तो वहाँ इनके दो लेख भी हम लोगों ने देखे थे, डिसीजन प्रोसेस इन स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट 1964 और प्रवास के लिए निर्णय के व्यवहारवादी पक्ष। तो ये दो लेख भी इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। डिसीजन प्रोसेस वाला लेख 1964 का है, और प्रवास के लिए निर्णय के व्यवहारवादी पक्ष वाला जो लेख है वो 1965 का है। तो ये दो इसमें इंपॉर्टेंट लेख भी हम लोगों को मिलते हैं। तो हम लोगों ने दो हेडलाइंस की स्टडी कर ली। पहली जो हम लोग की हेडलाइन थी वो थी मेन कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट क्यों हुआ, दूसरी हेडलाइन थी इम्पॉर्टेंट थिंकर्स इस टॉपिक के पूरे। अब हम लोग की जो तीसरी हेडिंग थी, तीसरी हेडलाइन थी, वो थी कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो चलिए अब हम लोग एलिमेंट्स पे बात करते हैं। ये है हम लोगों के एलिमेंट्स, जो मेन एलिमेंट्स हैं, कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप्स और डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो जो भी इसका टेक्स्ट मैटर है वो भी मैं आपको उसका मैटर दिखा दूंगा, जिसके जिससे कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ चारों का, बहुत ईजी है। कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप्स और डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम अपने दैनिक जीवन में इसको हम देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उस पर हम कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। कॉग्निशन का मतलब होता है ज्ञान या बोध, परसेप्शन मतलब हो जाता है धारणा, मेंटल मैप्स मानसिक मानचित्र, और डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर का मतलब है निर्णय और व्यवहार। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा शहर है जहाँ काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है एग्जाम्पल के लिए, तो उससे क्या होगा, ये हो गया कि ये आपके दिमाग में, मान लीजिए आपने न्यूज़ चैनल देखा तो आपको पता चला कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, तो ये हो गया ज्ञान, ये हो गया कॉग्निशन जो कि आपके मस्तिष्क में चला गया, ठीक है। और ये गया कैसे, ये ज्ञान या बोध, कॉग्निशन, और कॉग्निशन क्या है कि दिल्ली का पोल्यूशन, ये आपके अंदर गया टेलीविजन के माध्यम से। अब आपकी इस कॉग्निशन के कारण
जो आपका उस पर्टिकुलर शहर के लिए जो परसेप्शन बन जाएगा, जो एक धारणा बन जाएगी कि आप पूरे के पूरे एरिया को ही पॉल्यूटेड समझने लगेंगे। हो सकता है कुछ एरिया वहाँ अच्छे भी हो सकते हैं, बट आपका एक परसेप्शन बन जाएगा वहाँ के लिए हमेशा हमेशा के लिए। और इसके पश्चात सी, जो हमारा तीसरा है मेंटल मैप्स, उससे आपके मस्तिष्क में एक मेंटल मैप का फॉर्मेशन होगा। मेंटल मैप का मतलब है कि दिमाग में ही आप काफ़ी चीज़ें सोच लेंगे वहाँ के संबंध में। और डी, डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, और इससे आपका निर्णय और व्यवहार प्रभावित होगा और आप वहाँ जाने का निर्णय बदल देंगे। हो सकता है आपको वहाँ जाना रहा हो, लेकिन अगर आपको पता चल गया, आपको सबसे पहले ज्ञान मिला न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, काफ़ी पॉल्यूटेड है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, फिर आपकी एक धारणा बन गई पर्टिकुलर शहर के संबंध में, फिर इससे आपने एक मेंटल मैप का निर्माण कर लिया, आपने एक पूरा खुद ही सोच लिया कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा होगा, कितना पॉल्यूशन होगा, कितना हानिकारक है, ये सारी चीज़ें आपने मस्तिष्क में ही सोच ली, और फिर आपने इससे अपना डिसीजन चेंज कर दिया और इससे आपका जो व्यवहार है वो प्रभावित हुआ। तो यही है कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप्स एंड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। काफ़ी सिंपल सी चीज़ें और इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली है नहीं, क्योंकि आम दैनिक जीवन में हम लोग इसको समझते ही हैं, हर जगह इसका हम यूज़ करते ही करते हैं। कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप्स और डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। और मुझे उम्मीद है कि इसको आप समझ भी गए होंगे। और एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसकी हम डिटेलिंग नहीं कर सकते क्योंकि चारों की चारों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब परसेप्शन बेस्ड है कॉग्निशन पे, जैसा कॉग्निशन मिलेगा वैसा ही हम परसेप्शन बनाएंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ के संबंध में। जैसा हमारा परसेप्शन होगा उसी के बेस पे हम मेंटल मैप बनाएंगे, और जैसा मेंटल मैप बनेगा उससे हम डिसीजन लेंगे और हमारा व्यवहार प्रभावित होगा। तो ये चारों जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए एलिमेंट्स हैं, हम किसी को भी यहाँ पे अलग नहीं कर सकते। अब आइए मैं आपको इसका मैटर दिखा दे रहा हूँ, जिससे अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकें, बाकी जो समझाने वाला काम था वो तो मैंने कर ही दिया है। ये पूरा का पूरा जो मैटर है, ए जहाँ पर लिखा हुआ है, ये है कॉग्निशन का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक और एग्जांपल के से समझाया है कि मान लीजिए लैंड एक ही है लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन यूज़ उसका वो अलग अलग तरीके से करेंगे क्योंकि कॉग्निशन उनका अलग अलग है। कोई किसी एरिया का है, किसी को किसी चीज़ का नॉलेज है, किसी चीज़ के एग्रीकल्चर का, कोई किसी दूसरे एरिया का है उसको दूसरे एग्रीकल्चर का नॉलेज है, तो उनकी जिस चीज़ का वो एग्रीकल्चर करेंगे वो भी डिफरेंट हो सकता है, जिस पद्धति से करेंगे वो पद्धति भी अलग हो सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग परिवेश के हैं। और जो कॉग्निशन, जो परसेप्शन, जो मेंटल मैप उनके दिमाग में है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फ्रेंड्स, ये जो है ये एक कह सकते हैं डायग्राम है छोटा सा, और जब भी व्यवहारवाद पे प्रश्न आएगा और आप मेंटल मैप और जो भी एलिमेंट्स हैं उसके बारे में बताएंगे, तो डिटेलिंग करने के बाद, जो भी अभी हमने बात की उसको समझाने के बाद, आप इसको जरूर बनाएंगे। इसमें बताया जा रहा है वातावरण, प्रतिमा मतलब वही जो इमेज हमारे अंदर बन रही जिसको हमने मेंटल मैप कहा, और उससे हमारा व्यवहार। तो ये दिखाया गया कि सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और ये पोल्डिंग ने 1956 में एक मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप मॉडल दिया था। यहाँ मैंने एक चीज़ नहीं बताई है, वो अब मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप और डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, ये चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन जो चीज़ बोर्डिंग ने बताई है वातावरण की, वो उसको अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन चारों के अलावा जो हमारा वातावरण है इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जैसा वातावरण होगा वैसा ही हमें ज्ञान मिलेगा, और उसके बाद उस ज्ञान से फिर परसेप्शन, फिर मेंटल मैप और फिर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, ये सारी की सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो वातावरण को भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं वैसा ही हमें कॉग्निशन मिलता है। तो ये बोल्डिंग का ग्राफ, बहुत ग्राफ नहीं कहेंगे इसको, एक डायग्राम कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर उन्होंने मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप मॉडल बनाया है।
और इसके पश्चात कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप्स, बिहेवियर और डिसीजन, ये हालांकि मैंने अपने से बनाया है समझने के लिए, तो आप इसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले कॉग्निशन, फिर परसेप्शन, फिर मेंटल मैप, फिर बिहेवियर और फिर डिसीजन। तो इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया कि सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है, कॉग्निशन से परसेप्शन, परसेप्शन से मेंटल मैप से बिहेवियर। मनुष्य का जो डिसीजन है उसके जो उसका बिहेवियर है उस पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। चाहे आप बोर्डिंग का तो बना ही बना है, ये तो मैंने सिर्फ इसको और अच्छे से इजी तरीके से समझने के लिए बना दिया। बाकी बोर्डिंग वाला ये जो डायग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने इसकी तीन हेडलाइंस देख ली हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसका जो हम लोग का आखिरी हेडलाइन थी इसकी आलोचना, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। आलोचना से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन इसकी आलोचना बताना बहुत ईजी है। और सबसे फेमस जो इसकी आलोचना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट वाली आलोचना है कि मात्रात्मकता की पूर्णतया अनदेखी सही नहीं है। मतलब कि आज जो हम स्थिति में हैं, जो इतना डेवलपमेंट हुआ है पूरे वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा तो हम किस प्रकार से प्लानिंग इत्यादि कर पाएंगे, तो डाटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैथ, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स का यूज़ हमें करना ही पड़ेगा। तो ये कह देना कि मैथ, स्टैटिक्स और ज्योमेट्री का यूज़ बिल्कुल ख़राब है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और आत्म केंद्रित सोच, एक विषय पर अलग अलग सोच, क्योंकि अगर हम व्यवहारवाद को लेके चलें तो पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो हम किसी एक मॉडल का निर्माण कर ही नहीं पाएंगे, ये दिक्कत आएगी हमारे सामने। भावी विकास के लिए हमें दिशा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब तक कोई एक निश्चित मॉडल नहीं मिलेगा, कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं मिलेगा, तो हम कैसे ये सारे काम कर पाएंगे। और मानव कल्याण को दिशा नहीं मिल पा रही थी इससे। आर्थिक पक्षों की पूर्णतया अनदेखी सही नहीं है। हम आर्थिक पक्ष जो हमारे हैं उसको हम बिल्कुल नहीं नकार सकते। हर जगह हम मनुष्य के व्यवहार को प्राथमिकता नहीं दे सकते। यद्यपि मन ह्यूमन बिहेवियर एक अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये भी सही है कि उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना भी गलत है। और चूंकि मानव व्यवहार परिवर्तनशील है, समय तथा स्थान के संदर्भ में भिन्नता पाई जाती है, अतः सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण नहीं हो पाएगा। और जैसा कि सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण इस स्थिति में भी नहीं हो पाएगा। और जो पहला वाला पॉइंट है हमारा कि एक ही चीज़ पे बहुत सारे लोग होंगे, सबकी अपनी अपनी राय होगी, तो भी हम किसी यूनिवर्सल थ्योरी का फॉर्मेशन, यूनिवर्सल मॉडल का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ इसकी आलोचनाएं हैं, और बेसिकली बहुत ही सही इसकी आलोचना है। पांच पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अभी इन पांच पॉइंट्स की आप जितनी चाहे उतनी व्याख्या कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप इसका एक निष्कर्ष लिखना चाहें फाइनली, बिल्कुल अंत में, तो आप लिख सकते हैं कि यद्यपि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की बात भी सही है और व्यवहारवाद की बात भी सही है, और व्यवहारवाद ने जिन जिन चीज़ों की आलोचना की थी, क्योंकि मात्रात्मक क्रांति में मैथ और ज्योमेट्री का यूज़ बहुत हो रहा था, तो वो बात भी सही है। तो हम ना क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म को गलत मान सकते हैं, और ना ही हम व्यवहारवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको गलत मान सकते हैं। सही दोनों हैं। चुनाव हमको किसी एक का करना है, तो हम किसी एक का चुनाव यहाँ नहीं कर पाएंगे। हम ये कर सकते हैं कि एक ऐसी पद्धति हुई, कह सकते हैं स्टडी का एक ऐसा मेथड विद्वान लोग तैयार करें, जो हमारे ज्योग्राफर्स हैं वो इस तरीके से स्टडी करें कि वो काफ़ी ज़्यादा लचीली हो। हम इस पे ना चलें कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव ही स्टडी करेंगे, हम बिहेवियरल बेस पे स्टडी नहीं करेंगे। हमारी स्टडी काफ़ी लचीली होनी चाहिए, और हम जब चाहें जो एरिया हमको लग रहा है कि यहाँ, जैसे हम माइग्रेशन जैसी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की थी, जिन एरियाज में हमको लग रहा है कि जो बिहेवियर अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले कर रहा है, वहाँ पर हम बिहेवियर को शामिल कर सकते हैं। और जहाँ पर हमें डाटा इत्यादि की आवश्यकता है, वहाँ पर हम क्वांटिटेटिव वाला मेथड अप्लाई करें, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को हम इम्पोर्टेंस दें। तो हमको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिलहाल इस अध्याय में दोस्तों इतना ही। काफ़ी इजी ये टॉपिक था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्वानों के नाम हम लोगों ने यहाँ पे देखे, और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट बुक्स थी वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। अब आइए, जो मैंने हेडलाइन बताई थी उनको मैं एक बार आपको और दिखा दे रहा हूँ।
सबसे पहले हम लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट और रीजन फॉर डेवलपमेंट देखा, फिर हम लोगों ने मेन ज्योग्राफर्स एंड थिंकर्स को देखा, फिर हम लोगों ने एलिमेंट्स देखे, कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप्स एंड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, और हम लोगों ने इसके बाद एक डायग्राम देखा बोल्डिंग का, और फिर लास्ट में हम लोगों ने क्रिटिसिज्म देखा। और क्रिटिसिज्म के बाद मैंने आपको एक छोटा सा निष्कर्ष भी बताया था कि अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा भूगोल में सही तरीके से स्टडी को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शामिल करना है और भूगोल विषय को ज़्यादा सार्थक बनाना है, तो हम कह सकते हैं कि सटीक अध्ययन के लिए हमें दोनों प्रक्रियाओं को मानना पड़ेगा। हम ना उस क्वांटिटेटिव वाली प्रक्रिया को छोड़ सकते हैं, ना हम व्यवहारवाद को छोड़ सकते हैं। तो हमको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम जब जरूरत पड़े तो हमें अपनी स्टडी को थोड़ा लचीला बनाना पड़ेगा, हम जब आवश्यकता पड़े तो हम व्यवहारवाद की पद्धति का भी यूज़ कर लें, और जब हमें आवश्यकता पड़े तो हम मात्रात्मक क्रांति की जो हमारी विधियां हैं जिसमें गणित, सांख्यिकी और ज्यामिति का यूज़ होता है, उसका हम प्रयोग कर लें। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो व्यवहारवाद से रिलेटेड तो आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।